हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये मेनली एल्डिहाइड्स के लिए ही होता है। एल्डिहाइड लाइक्स बेंजल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। इस पर आप देख सकते हैं कि जो इसके अल्फ़ा कार्बन है, जो भी इसके अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन पे नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे एल्डिहाइड्स जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो इसमें यहाँ पर साफ लिखा हो नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, ये इसकी एक क्रिटेरिया है, इसे आप याद रखें। बढ़ते हैं आगे। अब हमें देखना है कि इसकी जनरल रिएक्शन होती क्या है। तो हमें एक जनरल रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि एक एल्डिहाइड है, कंसिडर करते हैं कि इसके पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो एल्डिहाइड को जब हम कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, वो भी एल्डिहाइड है, कितने मोल एल्डिहाइड का जब 2 मोल्स लेते हैं और उसे कॉन्क NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 1 मोल ऑफ एल्कोहल एंड अनदर मोल ऑफ एसिड। तो एक एग्जांपल ले अगर हम, तो एक फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल लें, तो फॉर्मल्डिहाइड को आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड लिया हुआ है, उसे कॉन्क NaOH के साथ अगर हम यहाँ पे इसको रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमें 1 मोल ऑफ एल्कोहल मेथनॉल मिल रहा है क्योंकि 1 कार्बन प्रेजेंट था, और अनदर मोल से क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब बात करें इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो मैकेनिज़्म बहुत ही ईजी है। तो हमें क्या दिया हुआ था, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें एक NaOH, एक कॉन्क NaOH दिया हुआ था, एक बेस, तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक OH- मिलेगा। वो एक क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सेम एल्डिहाइड लिया हुआ था, इसलिए इसमें हमें रिएक्टिविटी नहीं देखनी है कि किस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो OH- जो है, आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे अटैक कर रहा है, तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। अगर ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक RDS स्टेप होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हाइड्राइड शिफ्ट होती है। तो स्टेप हम 1 में हमने क्या देखा कि एक बेस जो है फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, स्टेप 2 की बात करें तो जैसे कि ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था, तो वो जो है वापस आएगा कार्बन की तरफ। ठीक है, और यहाँ से जो अब कार्बन को तो अपनी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी है, तो वो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, और हमारे पास एक मोल था फॉर्मल्डिहाइड का, तो उस फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन पे वो हाइड्राइड फिर से अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं जो ये ऑक्सीजन से जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, यहाँ जो ऑक्सीजन से जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बन गया है। ठीक है, और जो दूसरा हाइड्राइड जो शिफ्ट हुआ था वो CH3O- के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक अभी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एसिड होता है वो अपना हाइड्रोजन जो है एल्कोहल को दे देता है, और मेथनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और रिएक्शन में हमारा जो NaOH दिया हुआ था उससे Na+ जो है, यहाँ पे चूंकि नेगेटिव साइन आएगा ऑक्सीजन पे जब यह हाइड्रोजन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, तो वो Na+ जो है रिएक्शन के हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बना देगा। उम्मीद, अब एक दो नोट्स करने वाली बात हमारे पास यहाँ पे है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जब भी कैनिजारो रिएक्शन होता है तो उस पर क्या होता है कि एक बेस जो है, एक OH- जो है अटैक करता है। ठीक है, तो अब एसिड किसका बनेगा, तो एसिड उसी का बनेगा जहाँ पे OH- जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, उसी का एसिड बनेगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और अगर इस रिएक्शन की ऑर्डर की बात करें, अगर आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो ये जो होता है ये 3rd ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है क्या करेगा, एक OH- हमें मिलेगा। ठीक है, और ये OH- इसके कार्बोनिल कार्बन पे
इसके कार्बन ने कार्बन पे अटैक करेगा, तो जिस पे अटैक किया उसका एसिड बन जाएगा, ठीक है, जिस पे अटैक किया उसका एसिड बन जाएगा, सॉरी ये मिस्टेक से आ गया, जिसका जिस पे अटैक करेगा उसका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, ठीक है, और अनदर मोल का क्या बन जाएगा, वो एल्कोहल बन जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।